पालक की सब्जी तो सभी को पसंद होती है, लेकिन उसको साफ करना उतना ही मुश्किल काम लगता है। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि कैसा भी पालक क्यों ना हो, चाहे आप अगर पहले दिन उसको साफ नहीं कर पाए हैं तो अगले दिन वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, तो भी आप पालक को आसानी से साफ कर सकते हैं, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ मैंने 1 किलो पालक लिया है, तो एक पालक की गड्डी है और बाकी कुछ खुला पालक है। तो पहले पालक की गड्डी को हम काट लेते हैं। ये मैं पहले दिन साफ नहीं कर पाई हूँ, जस्ट 1 ही दिन ये लेट हुआ है साफ करने में। तो मैं दिखाती हूँ कि पालक कैसा हो गया है। तो इसका धागा काट लेते हैं गड्डी का। पालक की जब गड्डी हम खोलेंगे तो आपको सबसे पहले पालक को ऐसे फैला देना है, और उसको इकट्ठा एक ही बर्तन में पहले ना करें ताकि उसके तिनके ऊपर नीचे जाए, ऐसा मत करिएगा। पालक की जो गड्ढी है ऐसे फैला देनी है, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि पालक के अंदर की पत्तियां कितनी साफ है, और पालक के पत्ते साफ दिखने लगेंगे, मिक्स नहीं होंगे, थोड़े खुले खुले हो जाएंगे। यहाँ देखिए 1 ही दिन में पालक के जो पत्ते हैं मुरझा गए हैं, और बीच में से इसकी स्टेम जो है काली काली भी हो गई है, गल सी गई है, लेकिन फिर भी इसके काफी पत्ते साफ है। इसको ही हमें निकालना है, क्योंकि मैंने वीडियो इसी पर बनाई है कि अगर पहले दिन साफ नहीं कर पाए हैं तो हम कैसे साफ करें। तो देखिए हम पहले थोड़े थोड़े पत्ते उठा के इस तरीके से चेक करेंगे, पत्तियां देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले इसकी जो स्टेम है वो गली हुई है, मैंने जो तना है इसका काला हो चुका है, तो उसे पहले काट देते हैं। तो ये मैंने स्टेम इसकी काट दी है, और ऊपर के पत्ते पहले हम चेक कर लेंगे। पत्तों की पहचान हम ऐसे करेंगे कि कोई पत्ता गला हुआ ना हो, और पत्तों में कीड़ा ना लगा हो, पीला ना हो पत्ता, और सड़ा हुआ ना हो, ऐसा हमें देखना है, ऐसे हमें पत्ते लेने। तो ये देखिए पत्ते हम खोल खोल के चेक कर लेंगे, अगर कोई पत्ता कटा हुआ है ऊपर से या बीच में से कहीं पे और बाकी सारा पत्ता साफ है, तो वो हिस्सा आप निकाल के फेंक दीजिए और बाकी पत्ता आप यूज करें। लेकिन जब हम पहले ही दिन पालक को कट करते हैं तो उसके कैसे काटते हैं वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए आप क्या करें, डंडियों को गड्डी में ही काट ली, खोलने से पहले ही डंडियों को नीचे से काट लेना है। लेकिन अगर आप नहीं काटते हैं तो भी डंडियां इसकी सॉफ्ट हो जाती है, इसे बना सकते हैं। ये जो पालक है रूट वाला नहीं है, इसकी थोड़ी थोड़ी सी डंडियां हैं, लेकिन अगर आप डंडियां नहीं खाना चाहते तो आप इसको काट सकते हैं। एक एक पत्ता फटाफट से देख लेंगे, छोटी छोटी पत्तियां अगर आपको साफ दिख रही है, उसे एक बर्तन मैंने ले लिया है बड़ा, उसमें मैं डालती जा रही हूँ, और जो खराब पत्ते हैं वो मैं साइड पे रखती जा रही हूँ इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें सारे पत्ते चेक कर ले रहना है। अब ये देखिए जैसे ये पत्ता गला हुआ है तो इसको हम नहीं लेंगे, जो कुछ ज्यादा ही पत्ते खराब आ गए हैं पीछे से भी, तो कोई बात नहीं, हम इसके फिर भी साफ पत्ते इसको हमें निकालना है, फेंकना तो है नहीं। ये पत्ता जो साफ है उसको हम यूज कर लेंगे, छोटी छोटी पत्तियां जो दिख रही है उसको निकालते चले जाएंगे, साफ पत्तों में रखते जाएंगे बड़े बर्तन। ये देखिए पालक के पत्तों में अब इस तरीके से जो छेक है, ये पालक का कीड़ा है, कीड़ा जो होता है वो पालक के पत्ते को खाता रहता है, तो इस तरह के जिसमें छेक हो वो हमें नहीं लेना है, तो ये हम साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए पालक की पत्ती चेक कर लेंगे, डंडियां काट देंगे, इस तरीके से मैं साफ करती जा रही हूँ, और कितनी जल्दी जल्दी ये हो रहा है। आप खुद भी इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि हम गड्डी खोल के उसको बड़े बर्तन में एक साथ अगर इकट्ठा रख देंगे तो उससे ये होता है छोटी बड़ी पत्तियां सब मिक्स हो जाती है, तो उन्हें छाटने में अलग अलग करने में बड़ी दिक्कत होती है, फैला लेते हैं इस तरीके से तो आसान हो जाता है। ये गड्डी तो हमने पूरी साफ कर ली है, तो इसमें से हमने साफ पत्ते निकाल के बड़े बर्तन में रख लिए। 1 किलो पालक लिया है मैंने, जिसमें से गड्डी थी वो हमने साफ कर ली है, थोड़ी सी खुली पत्तियां उसे भी साफ कर लेते हैं, पालक को भी साफ कर लेंगे, और पीली कटी हुई और कीड़ों वाली जो गली हुई पत्तियां हैं वो भी अलग करते जाएंगे, और साफ पत्तियां अलग बर्तन में करते जाएंगे। तो ये देखिए मेरा जो है, मैंने जो है पालक साफ कर लिया, और ये देखिए इतना पालक इसमें निकल गया है, क्योंकि इसमें काफी जो है पीछे से गड्डी में खराब आया था, और 1 दिन इसको ऊपर भी हो गया है, तो इतना इसमें पालक जो है खराब हुआ हुआ निकला है, और हमारी साफ पत्तियां ये निकली है, तो इतनी पालक हमारी निकली है, पर इसकी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में सब्जी बनी। तो ये देखिए अब हम इसको धोएंगे, तो जो जिस पॉलिथीन में मैं लेकर आई थी मैं उसी पॉलिथीन में इसके छिलके भर दूंगी। अब इसे धोने के लिए देखिए एक बड़ा बर्तन ले जिसमें सारे पालक की पत्तियां आ जाए, तो सारे पालक के पत्ते मैंने एक बर्तन में डाल दिए हैं, और ऊपर नीचे अलट पलट करके हम इसको अच्छे से धोएंगे, इसकी पत्तियां रगड़ देंगे दोनों हाथों से काम करेंगे। तो देखिए इसकी जो मिट्टी है वो नीचे इकट्ठी होती जा रही है, और पानी में देखिए कितना मैला सा होता जा रहा है, इसमें मिट्टी आती जा रही है पालक की। तो ऐसे ही हम इसको वॉश करेंगे ऊपर नीचे करके। अब पालक की पत्तियां इस बर्तन से निकाल के मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर रही हूँ। दूसरे बर्तन में भी हम ऐसे पत्तों को ऊपर नीचे करते हुए पलट पलट के धो देंगे अच्छे से। तो ये काम कम से कम 2 से 3 बार करेंगे तो जाके पालक की किरकिरी जो है मिट्टी जो है वो साफ होती है। तो मैंने दूसरे बर्तन में भी अच्छे से वॉश कर रही हूँ, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के इस तरीके से साफ कर लिया है, और पहला बर्तन को मैंने फिर से पानी से भर लिया है, उसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे रिपीट। तो ये भी अच्छे से देखिए साफ हो रहा है, पानी पहले से जो है साफ हो गया है, साफ आ रहा है। तो बस हमारा पालक अब क्लीन हो गया। इसे मैं एक छन्नी में निकाल लेती हूँ और नीचे एक प्लेट लगा लेती हूँ,
ताकि जो पानी है वो नीचे प्लेट में आ जाए। और जो ये पानी बचा हुआ है इसे हम स्ट्रेनर में ऐसे छान लेंगे और इस पानी को हम पौधों में यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट सिंक में डालेंगे तो सिंक जो है जाम हो सकती है, जो इसके पत्ते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, तो ये काम इसलिए बाद में सफाई का बढ़ ही जाता है। तो इसलिए पहले ही कोशिश करें कि छन्नी में छान लें। तो पालक देखिए हमारा क्लीन हो गया है, जबकि पालक जो था कितना मुरझा गया था और उसमें से हमने निकाला ये, तो ये देखिए एकदम साफ सुथरी पत्तियां ग्रीन एकदम निकली हैं। मेरी एक और वीडियो है जिसे मैंने बताया है कि पालक को स्टोर कैसे करें, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।